फिल्म बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी। ये इसने वो दौर दिखा दिया है कोरोना काल का, जो हम लोगों ने जो फील किया उसमें, जैसा मैंने फील किया था, घर में रहना, कहीं जाना नहीं, मास्क लगाना, इसने वो फिर से दोहरा दिया। ये फिल्म पूरी तरह से रियलिस्टिक ही है, इसे फिक्शन नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको अगर फिक्शन से भी जोड़ेंगे तो ये है, क्योंकि एक फिल्म है, लेकिन इसने जो दर्शाया वो पूरी 85% दर्शाया है, बाकी का 50% जो है वो उन्होंने अपना फिल्म के माध्यम से फिल्म बनाने में लगा दिया। अच्छा, क्या कहने देगा सब लोग के काम के बारे में, फिल्म का सब्जेक्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है, कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया? मुझे तो राइटर और डायरेक्टर जो हैं अग्निहोत्री जी, उनको तो सैल्यूट करना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने जो आज तक जो भी मुद्दा उठाया बहुत अच्छा उठाया है। ये वैक्सीन वार, इससे पहले उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाया, एक और फिल्म बनाई जो निजी जिंदगी पर जो सच्ची थी, तो विवेक अग्निहोत्री जी को तो उनको तो सैल्यूट बनता है। जैसे कि वो अपनी हर फिल्म में किसी ना किसी को तो एक्सपोज करते हैं, इस फिल्म में उन्होंने मीडिया को एक्सपोज किया है, एज अ मीडिया पर्सनालिटी व्हाट डू यू थिंक? अरे इन्होंने तो ऐसा मीडिया को धोया है कि शायद ही किसी फिल्म में धोया होगा। बहुत अच्छी लगी है अग्निहोत्री जी, आप आगे भी ऐसी फिल्में बनाएं। और ये जो आपने कोरोना के माध्यम से दर्शाया है बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं तो उस समय को फील कर लिया जब कोरोना में मैं बंद था, पूरी दुनिया बंद थी उसमें, जो बोलते हैं लॉकडाउन। और इस फिल्म में आपने दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया है। नाना जी का काम मुझे बहुत पसंद आया, पल्लवी जी का साथ भी बहुत अच्छा रहा, बाकी अदर जो भी जिन्हें अपने आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया साइंटिस्ट का, वो बहुत ज़बरदस्त किया है। उन्होंने दिखा दिया कि हाँ कि मैं रियली में साइंटिस्ट हूँ, उन्होंने उस कैरेक्टर को जी लिया। बाकी और क्या कहूँ, फिल्म बाकी अब ऑडियंस को भी डिपेंड करता है, फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्या बात है, लोगों से क्या अपील रहेगा? मैं तो यही बोलना चाहूँगा लोग क्या वो पूरी फैमिली जाएं फिल्म देखें, कोई और अगर फिल्म देखना ना देखें ना देखें, लेकिन ये फिल्म जरूर देखें, क्योंकि आपकी सच्चाई है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। 5 स्टार बोले, 4 स्टार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो फाइनली द वैक्सीन डॉट फिल्म देख लिया, कैसी लगी? पिक्चर मुझे अच्छी लगी, और मतलब कैसा इसमें काफ़ी कुछ नेचुरलिटी थी जो हम लोग को नहीं पता था वो बताया गया फिल्म में। वैक्सीन बनाना बहुत आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था, जिसमें औरतों का बहुत बड़ा योगदान था। तो मतलब ये सब पिक्चरों में जो हम लोग को नहीं पता था वो सब पता चला। तो मतलब कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं तो नेचुरल कुछ अच्छा ही देंगे। तो मतलब ये कश्मीर फाइल्स के बाद ये एक और एक फिल्म है जो लोगों को याद रहेगी, और इसमें काफ़ी कुछ नेचुरल था तो मुझे अच्छी लगी। मतलब राइट, हाँ राइट राइट। नहीं देखो, ऐसा क्या मीडिया जैसे मतलब बोलते हैं ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हाँ पिलर है, लेकिन कैसा होता है कोई इसको ईमानदारी से निभाता है, कोई अपने स्वार्थ के लिए निभाता है, तो ऐसा मीडिया वाले वो अमृत चक्के आए वैसा नहीं है। मीडिया वाले में भी होते हैं गड़बड़, तो हर आदमी कभी कभी स्वार्थ के लिए काम करता है, कभी नहीं भी करता है। अभी मीडिया भी दो भागों में बढ़ गई है, अच्छी और बुरी। तो मतलब इसमें जो दिखाया है कि वो मीडिया थोड़ी इसको फॉरेन कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है, रायमा सेन बनी है, तो उन्होंने अपना जो किरदार निभाया है मीडिया का, खड़ूस जर्नलिस्ट का, वो बहुत अच्छा निभाया। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, और कैसे उनके एक्सप्रेशंस बार बार चेंज हो रहे थे, और कितनी कॉन्फिडेंट थी वो एज ए जर्नलिस्ट। तो मुझे लगता है उन्होंने कोई ज़रूर किसी ऐसे जर्नलिस्ट को देखा होगा और उससे सीखा होगा। तो बहुत अच्छी एक्टिंग की रायमा ने। नाना पाटेकर ने भी अपने जो मेन ऑफिस हैं साइंटिस्ट, उनकी जो एक्टिंग की है बहुत नेचुरल, कि जो जो एक्चुअली में ना बहुत अच्छे होते हैं ना, वो बोलते कम है। हाँ राइट। तो मतलब वो ना ऐसा, जो अभी तुम अगर पर्सनल लाइफ में भी देखोगे ना, जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे ना वो बहुत कम बात करते हैं। तो नाना पाटेकर का भी उसमें ऐसा दिखाया कि वो सब चीज़ में इन्वॉल्व थे लेकिन बात नहीं करते थे, तो उनकी एक्टिंग अपनी जगह पे एकदम डिफरेंट थी। फिर उसके बाद पल्लवी जोशी, जो दिखाया कि एक नॉर्मल लेडीज़ होती है ना वैसी होती है, लेकिन उनका दिमाग सातवें मतलब आसमान पे होता है, वो इतनी इंटेलिजेंट होती है, लेकिन उनकी हरकतें एक आम औरत के जैसे होती है, जो कि पल्लवी जोशी ने अपने चलने में बोलने में कि बहुत इमोशनल है, लेकिन वो है बहुत इंटेलिजेंट। तो ये उन्होंने दिखाया फिल्म में, मतलब कहीं ना कहीं हर किरदार की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि इस फिल्म में दिखी है। सिर्फ कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो रही थी, कि लग रहा था इंटरवल कब आएगा। तो वो फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम लोग पीछे ही चले गए हैं,
और वो मतलब बोलते हैं ना हो रहा है सब आंखों के सामने, वो जल रही है लाशें वो सब, तो ये हम लोग ने रियल में देखा है। तो पिक्चर में जब देखा ना तो अंदर से थोड़ा हिल रहे थे कि कभी इंटरवल हो और ये ख़त्म हो ना, कि एक दो बार तो मैं सच्ची बोलूँ मैंने आँख वाँख भी बंद कर ली थी ऐसे शॉट के टाइम पे, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली लोगों को मरते हुए, तो मुझे वो एकदम पुरानी डिप्रेसिव वाला मामला हो गया। लेकिन सच जानना भी ज़रूरी है, तो सच जानने के सबसे पिक्चर अच्छी है। हाँ, मतलब कैसा होता है ना कि लोग कितनी भी मेहनत करें कितनी भी ईमानदारी दिखाएं लेकिन लोग गलती ढूंढते हैं, तो यही पिक्चर में भी दिखाया है कि गलती ढूंढ रहे हैं कि ये मतलब उसको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय प्रोत्साहन बहुत कम लोग देते हैं कि नहीं नहीं करो हम हैं पीछे, वो प्रोत्साहन बहुत इंडिया में तो बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं स्पेशली लेडीज़ हैं वो हार नहीं मानती, कितना भी मिले लेकिन अगर हम लोग मजबूत हैं ना, बोलते हैं ना कि वो सच क्या झूठ कितना भी ताकतवर हो लेकिन सच के आगे हार जाता है तो वो सच तो जीतता ही है। तो लास्ट में वो भी दिखाया कि सच कैसे उन्होंने अप्रूव किया, जर्नलिस्ट लोग को हैंडल करना भी खाने का काम नहीं होता है, तो जर्नलिस्ट के सामने साइंटिस्ट लोगों ने कैसे बात की, वो भी एक बहुत अच्छा सीन था। बहुत हाँ, वो भी एक बहुत है जर्नलिस्ट लोग को मतलब ये करना कि हाँ कि उनको मतलब पॉजिटिव करना अपने लिए, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जर्नलिस्ट लोग है ना बोलते कुछ है सोचते कुछ है देखते कुछ पूछते कुछ है और लिखते कुछ है तो इसलिए जर्नलिस्ट अगर सचमुच मन से माने तो ही मेन है, वो चीज़ सच्ची है। तो एक्चुअली मतलब उन लोगों को साइंटिस्ट लोगों को कोई ज़रूरत नहीं थी मतलब मीडिया के सामने प्रूफ करने की, लेकिन लोगों को मीडिया पहुंचाती है बात, इसलिए मीडिया को बताना भी ज़रूरी था। तो वो भी सब जो टच किया एक दूसरे से बात, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, मैं बोलूँगी ज़रूर देखो क्योंकि इसमें सबकी मेहनत जुड़ी है, साइंटिस्ट जो रियल में है उनकी मेहनत जुड़ी है। हाँ, थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगा लेकिन उसको झेल लेना क्योंकि पिक्चर अच्छी है, एक अलग हटके फिल्म है, तो मैं बोलूँगी कि ज़रूर एक बार देखना चाहिए। मैं दूँगी 3.5। फिल्म मुझे बड़े अच्छे लगे। इस फिल्म में स्टोरी इतनी अच्छी लगी, सब्जेक्ट इतना अच्छा था, ऐसा लगा थोड़ी लेट बनी है फिल्म, लेकिन फिल्म बड़े अच्छे बनी है। कलाकारों ने काम बड़ा अच्छा किया, नाना पाटेकर तो बहुत बढ़िया काम कर गए इस फिल्म में, और पल्लवी जोशी ने भी अच्छा काम किया है, बाकी के कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। जैसे देखा गया इस फिल्म में मीडिया को एक्सपोज किया है, जो मतलब पैसे लेके सारी चीजें करते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, उन सबको एक्सपोज किया, क्या लगता है एज अ मीडिया पर्सनालिटी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, जो चल रही है जो चीजें चल रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो एक्सपोज किया है वो कोई नई बात नहीं है, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चले जाओ हर फील्ड में पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, तो ऐसे कोई बात नहीं, इसमें चिंता मत करो, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, हर जगह मिलते हैं ऐसे ऐसे कोई बात नहीं। राइटिंग बड़ी अच्छी, डायरेक्शन बड़ी अच्छी थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात इसमें बताई कि जो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई, ऐसे किस्म के लोग कैसे कैसे सख्तियों से गुजरते हैं। वैक्सीन के टाइम में लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, लेकिन क्या क्या करना पड़ता है ये चीज़ उन्होंने बताई, बड़े अच्छे तरीके से पिक्चराइज की, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। यस यस, देखनी चाहिए, और ये मैं ऑडियंस को कहूँगा ये फिल्म ज़रूर देखो, और इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा।